वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु खालसा जी, अज की जिहड़ी एकत्रत है पूरे संसार दे सिखां दीआं अखां इत्थे लगियां होईआं, बड़े सजाए आउणे न। मैं इक्को ही गल कहिणा कि जदों किसे दे प्यो दी दाढ़ी नूं किसे ने हथ पा लिया होवे, भरावां दी आपस च भावें बणदी होवे ना बणदी होवे, ते पुत्र उह ने जिहड़े डंडे लै के अपने प्यो दी दाढ़ी पुट्टी दा बदला लैण वास्ते मैदान च आ जाण, वो पुत्र नहीं कहा सकते जिहड़े कहण जी पंचायत इकट्ठी करो, इन्हां दे पिछे कौन सी उन्हां नूं लभो, वो जिहड़ा लभ्या होया उन्हूं तां फड़ लो। एक बदमाश ठाणे दे विच काबू आ जाए पुलिस दे कोल, वो कहिंदे ने बाकी दियां दी लोड़ नहीं, आप दसूगा किहड़े किहड़े ने। तुसीं इक ते केंद्रित रखो खालसा जी, खिंड जाएगी आ गल। मैं बड़ियां गल्लां सुणियां इस नूं तारो पीट करन वास्ते, यह भी कहा गया भी टकसाल के पाठ वखरे ने, उहदा जवाब टकसाल के विद्वान देणगे। यह एक सैड ते कढ़न वास्ते ने यह गल्लां जिहड़ी समुचे रूप दे बेदी साहब जी बैठे है, बाबा सरजोत सिंह गुरु नानक साहब दी अंश बंश सतवारवें थां ते, होर समुचे महापुरश संत बाबा लखवीर सिंह जी, संत बाबा बलजिंदर सिंह जी, अचानक सेहत इन्नी खराब हो गई भी वो बस तो बहर हो गई, गल नहीं आ सके। बहुत सारे मैं कि महापुरशों के नाँ आप लै लेने ता कि मैं समा जोड़ा सीमित समय से आप जी गल कर सकता। सजा देन का हर एक हक है, दो पर मेरी एक बेनती है, जिस वे विद्वाना ने जड़ ली ना तो हैरान हो जाओगे, जड़ किसी होर था है, अज यदी लौड़ नहीं कह दी, अज मुजुर्म फड़न की गल है। रही गल यह जड़िया अज ये गल असी कर रहे हाँ भी समुचे रूप दे जी गुरु ग्रंथ साहब का सरूप तो उन्होंने आधार मान के सारे जथेबंदियां जेड़ा काम पहला होया वै तुम्हें वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे। 1960 श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की एजेक्टिव और एजेक्टिव दे पास हो के जनरल अलाजास के ते ओ समुचे रूप दे विच ते जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा विद्वाना दी एकत्रता करके ये अजलास ने पास कीता कि श्रोमणी कमेटी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूप जिहड़ा है पुरातन वीड़ां दे आधार ते इत्थे विद्वान श्रोमणी कमेटी दे भी सी, विद्वान साडी संपर्दा दे बजुर्ग भी सी। 1960 दे विच 250 स्वरूप छपिया, पहला 250 बाद विच छपिया, जिहड़ा वह 250 स्वरूप है रेफरेंस लाइब्रेरी के 50 नंबर के उत्ते रजिस्टर्ड है, जो वह रजिस्टर्ड कढ़ो तो स्वरूप थोड़े कोल पिया है। तुसीं किहड़े स्वरूपां की होर गल करदे हो भी होर स्वरूप तैयार करना है, पंथ ने जो प्रमाणित किया उस स्वरूप नूं बाहर क्यों नहीं कढ़दे, क्यों लुको के रखिया है, उस नूं आधार बना के लड़ीवार स्वरूप जिहड़ा है उहदे च किते उकाई दिखदी है, पुरातन बीड़ां दे नाल मिलान कर लो। पर इस वेले लोड़ है वो गल्लां नूं बाज दियां, कित्थे प्रेस लाउणी है, कित्थे की करना है। अज दा गल है जिन्हें साडे प्यो दे गलावे नूं हथ पाया उहदियां हथां नूं सजा देण दी गल है। जे तुसीं कहो भी अज जिवें पुराने समें दी रवायत है भी एक ठंडा जिहा वास्ता है साडे कोल, वो की है, आखिर जी इहदे कमेटी बना देंगे, ये साडा ठंडा वस्ता, इहदे अर्थ नूं भी इहदे ते कोई कारवाई नहीं होगी, ये पिछे कोई अजिही शक्ति है जिहड़ी इन्हां हत्थां नूं बन्नदी है। अज असीं इह नहीं होण देणा खालसा जी, अज इह दर्द लै के आए, अकाल तख्त ते फैसला होवे उहदा नाम आनंद है, जिहड़ा गमां दा भरिया ते सारे सिखां नूं गम दित्ता है, उहनूं इत्थे सद्या जावे ते रवायतां अनुसार खालसा पंथ उहनूं सज़ा दे ते मुड़ के कोई भी हिम्मत ना करे इहो जिहा पाप करन दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।